दोस्तों, मैं हूं आरजे राजीव, यहां वॉशिंगटन डीसी के सुनो ऑडियो के स्टूडियो से लेके आ गया हूं आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम आज थर्सडे को। और मुझे यहां पे ज्वाइन कर रही हैं मुंबई से इंद्रा तिवारी। हेलो इंद्रा। हेलो राजीव जी। सो पहले तो वेरी क्विक इंट्रोडक्शन कि इंद्रा कौन है। सो इंद्रा फॉर मी is the next happening face of the industry. I tell Indra that she's going to be the next Smita Patil of the industry. Right now, if feature film ki baat kare, to she is 4 film old, but she is ready for the 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th to the hundreds and hundreds of the movies. Aur ek din I want to take pride Indra ki जब इंदिरा उस सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही थी उस समय मेरे शो में इंदिरा आई थी एंड वी हैड अ कॉन्वर्सेशन हियर। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू। और मेरे को लेट मी जस्ट चेंज द प्राइवेसी सेटिंग हियर ताकि लोग जो कमेंट उमेंट कर रहे कर सके। Okay, so some of your fans are joining in. Hi Divya, how are you? Divya joining in. Subina, how are you? Ramneet, Neetu, how are you? Hello Rajiv and Indra. So Indra, let's start. How is Mumbai? It's full of traffic. तुम्हारे पीछे कौन है? तुम्हारे पीछे, हाँ? तुम्हारे पीछे कौन सी मछली है? श्यामलाल। श्यामलाल, वाह वाह श्यामलाल। हाय टू श्यामलाल आल्सो। हाय श्यामलाल, यू आर ऑन लाइव विद राजीव। यू आर ऑन फेसबुक लाइव विद आरजे राजीव। शिवानी कह रही है हाय राजीव वीरेंद्र। हाय शिवानी। माला कह रही है हाय राजीव वीरेंद्र। हाय माला। तो इंद्र कैसा था दिन आज का तुम्हारा? आज का दिन इतिहास के पन्नों दर्ज किया जाएगा क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन था। मेरी जिम का 4th डे था, मैंने जिम ज्वाइन किया। उसके साथ ही आज मेरा बेस्ट हेयर डे था। उसके बाद आज मैंने एक फिल्म साइन की। अरे वाओ। और उसके साथ साथ मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी नजरबन, वो मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई। तो क्या बात है, आज एक साथ आई और आज हमारा इंटरव्यू है। What a lucky day! What a lucky day! मैं लक लेके आया हूँ अपने साथ तुम्हारे लिए इंद्रा। That's awesome. So how do you feel when you sign the new movie? It's बहुत interesting है because इतना excitement था। हम लोग बात कर रहे थे तो होता है ना कि आप फिल्म साइन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सीन डिस्कस करने लगे बात करते करते। तो इससे हमारा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इतना पता चल रहा था कि एक पॉइंट वाला ने बोला अभी रुको भाई, पिक्चर में अभी टाइम है। बट हम लोग फुल ऑन लगे हुए थे तो बहुत क्रिएटिव डिस्कशन हो रहे थे, पर बहुत मजा आया। सो व्हेन यू गो टू द न्यू मूवी, लाइक व्हाट वाज द जर्नी? लाइक जो तुम्हारी 4 मूवीज निकल चुकी है उसके बारे में तो हम बातें करेंगे ही करेंगे, ये जो मूवी आज तुमने साइन की, हाउ डिड इट हैपन? Like when you walked in there, you get signing amount, what kind of commitment you get, what is the feeling like when you're signing it? I want to know everything. Sab kuch batao mere ko. So the thing is, hum logo ki Prakash Saini ji hain, unse hum logo ka baat chal raha tha kafi time se Facebook par, aur kyunki main khud hi apna sara kaam sambhalti hu, to bahut easy tha discuss karna, scripts aayi, synopsis aaya, cheeze aayi. फिर एक वीक के डिस्कशन के बाद फाइनली अभी हम लोगों ने आज डिस्कस किया
कि हाँ आगे बढ़ते हैं, बिकॉज स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, चीजें बहुत अच्छी हैं, प्लानिंग बहुत बढ़िया है, कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, और चीजों को लेके जैसे बोलते हैं ना, हमने क्रिएटिव डिस्कशन भी किया था, तो जो फिल्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो मैं अपना इनपुट दे सकती हूँ, मैं टेबल पर क्या क्या लेकर जा रही हूँ, तो एज डायरेक्टर वो भी मुझे बहुत स्पेस दे रहे हैं, क्रिएटिवली वो मुझसे सुनते हैं, समझ रहे हैं, तो हमारा जितना भी अभी मिले हैं बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, तो होपफुली इसी आशा के साथ कि हम लोग इसी के साथ पूरी फिल्म कंप्लीट करेंगे जल्दी। वाओ 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 वाओ, सो इस आज के दिन को हम इतिहास के पन्नों में लिख लें, अगस्त के पन्नों पे लिख लीजिए, अगस्त 5th को। हाँ, इतिहास तो बहुत बड़ा है, और अगर कोई और चैप्टर का बंदा इधर आ गया तो वॉर हो जाएगा, इससे बेटर है दिल के पन्नों पे लिख दो उसे। दिल के पन्नों पे लिख देते हैं, दिल के पन्नों पे लिख देते हैं, और इसको हम फेसबुक लाइव का ऑटोग्राफ ले लेते हैं, बिकॉज आई एम सो श्योर इंदिरा, यू आर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एक्ट्रेस इन मुंबई, यू आर गोइंग टू गो प्लेसेस, ऑल आवर गुड विशेस आर देयर, सारे हमारे सुनने वालों की गुड विशेस है तुम्हारे साथ, मेरी गुड विशेस है तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। और तो तुमने बताया तुम भोपाल से हो, मैं भी भोपाल में पैदा हुआ हूँ, पता चला मुझे। तो हम लोग दोनों भोपाली हो गए एक तरह से। हाँ। तो तुम्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था? एक्टिंग मतलब जैसे घर में होते ना बच्चे उछल कूदी करते रहते हैं, इतना मस्ती करते हैं, तो वैसी धमाकेदार धमा चौकड़ी करने वाली बच्ची तो मैं थी, और आंखें मेरी बड़ी बड़ी थी बचपन से ही, तो मजा आता था, तो सब खेलते खेलते मैं पेंटिंग में ज्यादा थी, एक्टिंग में तो मैं आफ्टर अ पॉइंट आई, तो पेंटिंग मेरा सबसे पहले था, बहुत सारी ड्रॉइंग्स बनाना, सुलेख माला लिखना। तो घर में दोस्तों के साथ भी करती थी एक्टिंग? नहीं, दोस्त नहीं थे, मैं नानी के पास ज्यादा रही हूँ अपनी, तो मैं जबलपुर में रहती थी। अच्छा। नानी के पास, और माँ भोपाल में जॉब कर रही थी, तो नानी के पास रहना, नाना का मुझे पढ़ाना, हम लोग सुलेख माला बहुत लिखते थे, मैं ड्रॉइंग्स बना बना के उनको दिखाती थी, फिर मम्मी कुछ कुछ समय आती थी, कभी कभी मैं भोपाल आ जाती थी, बट ऐश्वर्या जब मेरी बहन हुई 97 में, तब मैं मम्मी के पास ही शिफ्ट हो गई भोपाल में, तब से हम भोपाल में रहे। ओके। और फिर वहां स्कूल में तुम एक्टिंग करती थी, एक्टिंग का शौक चढ़ा? नहीं, स्कूल में भी ज्यादा नहीं, एक्टिंग रिलेटेड कुछ ज्यादा था नहीं, मुझे लगा था मेरा पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था, और मैं पेंटिंग बहुत करती थी, मैं बचपन में मॉडलिंग करती थी, और मैं डांस सीखती थी, मैं ग्रुप में डांस करती थी, वेस्टर्न डांस करती थी बहुत सारा। उसके बाद जब बाल भवन में गई, मम्मी ने मुझे बाल भवन ज्वाइन करवाया, बाल भवन एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे 15 साल तक के बच्चे आते हैं, और गवर्नमेंट ने उसे जब चालू किया था तो वो बच्चों के बेनिफिट के लिए किया था, ताकि अलग अलग विधाएं सीखी जा सके, तो उसकी फीस इतनी मिनिमम होती है, मतलब बहुत बहुत पहले 60, 120 ऐसा कुछ रुपीज हुआ करता था, जिसमें आप 3 विधाएं सीखा करते थे। अच्छा। तो वो सभी के लिए ओपन टू ऑल रहता था, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता था, कुछ लोग जो लोग नहीं पैसे दे पाते वो लोग फ्री में सीख सकते थे, टीचर्स वहां पे हमेशा अवेलेबल रहते थे, तो ऐसी जगहों पर जाकर मेरी ट्रेनिंग हुई, तो मैं पेंटिंग में मैंने ज्वाइन किया था, देन मुझे ना कि कॉपी करो, चीजें करो, दिखाओ, हाँ। तो मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा था, तो मैं निकल के ऐसे घूमने फिरने दूसरी क्लासेस में जाके बैठ गई, तो मैंने कहा यार ये नाटक की क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, वो करके केजी त्रिवेदी, मतलब चच्चा जिनको हम चच्चा बुलाते हैं, केजी चच्चा वहां पे बच्चों के साथ क्लासेस कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं इधर बैठ के ड्रॉइंग करूंगी, तो वो बोले बैठना नहीं होता है यहाँ पे, ये भी करना पड़ेगा अगर आओगी तो मैंने कहा हाँ करूंगी। फिर हाँ। एक दिन एक लड़की सडनली कहीं गायब हो गई, और आई थिंक बहुत कम दिन बचे थे शो को, तो चचा मुझे बोले इतने दिन से देख रही हो तो करना भी आता होगा ना, तो हाँ। उठो और करो, और वो लड़की का जाना मेरी लाइफ चेंज हो गई, मैंने अपना पहला नाटक किया, और हाँ। उसके बाद हमने और 2-3 नुक्कड़ तैयार किए थे, फिर हम दिल्ली गए नुक्कड़ लेके। अच्छा। तो हम बाल भवन की तरफ से हम ट्रैवल कर रहे थे नुक्कड़ लेकर, बहुत मजा आया, मतलब वहां से शुरू हुआ मेरा कि मुझे थिएटर करना है। और फिर वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सपना कब शुरू हुआ?
उसके बीच में भी मतलब थिएटर शुरू करना वो तो चचा के पास मैंने किया, लेकिन जैसे हमारे शो देखने लोग आते हैं तो सबको लगता है ना कि अरे ये लड़की बहुत स्मार्ट है या ये जल्दी पकड़ लेती है, जल्दी सीख लेती है। तो ऐसे करके अलग अलग डायरेक्टर्स मुझे अलग अलग प्ले के लिए बुला रहे थे। तो हमारे भोपाल में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मतलब हाँ भोपाल में इतने ग्रुप्स हैं, थिएटर मतलब हब है पूरा का पूरा। तो मैंने ऑलमोस्ट भोपाल के सारे ग्रुप्स में काम किया है। और इतना इतना बोलते हैं ना कि कभी मैं छाऊ कर रही हूँ, कभी मैं माइम कर रही हूँ, कभी मैं इंडियन बैले कर रही हूँ, कभी सिर्फ हम लोग रियलिस्टिक प्ले करें, कभी हम कविताओं को मंचित कर रहे हैं। तो मतलब भोपाल से मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन गया था कि जब मैंने एनएसडी का फॉर्म पहली बार भरा, तनवीर भाई मेरे डायरेक्टर थे, तनवीर भैया के कहने पे मैंने फॉर्म भरा था। अच्छा और उसके बाद मैं एक बार में सिलेक्ट हो गई, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने एनएसडी क्लियर कर लिया। वाओ वाओ तो ऐसा लगा कि सब कुछ मतलब ऐसे तैयार था, बस हर कोई वो बोलते ना कि आप तो निकले हो और कोई आपको ऐसे हल्का सा ऐसे कर दे रहा है और हवा आपको इधर भेज दे रही है, कभी हवा आपको इधर भेज दे रही है। तो हाँ वैसा कुछ चल रहा था मेरे साथ। और इसी बीच में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। तो बाल भवन की तरफ से एक एग्जाम होता है बालश्री करके, तो उसके लिए मैं बैठी थी। उसके बाद वो भी मैंने पास कर लिया। आई गॉट प्रेसिडेंट अवार्ड इन 2007-8 फॉर क्रिएटिव वाओ आर्ट। थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो यू। हाँ, यू गॉट टू मीट द प्रेसिडेंट और यू वेंट एंड गॉट इट द राष्ट्रपति भवन। एट राष्ट्रपति भवन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मैम से। हाँ, वाओ वाओ व्हाट यू वर अ टीनेजर एट दैट टाइम राइट। एक्चुअली 14 प्लस में मुझे मिला था अवार्ड। सेरेमनी 15 में हुई थी, 2007 में अवार्ड मिल गया था, 8 में सेरेमनी हुई थी। वाह सो चेतना गोला कह रही थी शी इज अ किड। या शी इज अ किड किड विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। चेतना शी इज अ किड एंड एक और फैन सेइंग चित्रा शर्मा शी इज सेइंग ओ शी इज सच अ स्वीट हार्ट एंड स्टोरी टेलर एंड दैट प्रेटी स्माइल। थैंक यू चित्रा। ओह माय गॉड तुम्हारे बहुत फैंस होने वाले हैं अभी इंदिरा। लॉन्ग लिस्ट ऑफ अच्छा फैंस इन डीसी एरिया। अच्छा है, फैन बन जाए तो अच्छा है, मुझे एसी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैंने तुमको बोला था कि मेरा आज शो में बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं इतना हंसने वाला हूं ना मेरे स्पीच भी ब्लैबरिंग हो जाएगी। मैं हंसता रहूंगा मेरे गले में भी खराश हो जाएगी बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु जस्ट ब्रिंग सो मच लाफ्टर एंड सो मच हैप्पीनेस। सो इंदिरा गोइंग बैक टू योर ड्रामा डेज एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रेजिडेंट अवार्ड एट सच एन यंग एज। सो इससे पहले कि हम एनएसडी तक पहुंचे तो बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में। हाउ डिड यू फील व्हेन यू केम टू नो हाउ डिड योर मॉम फील व्हेन यू केम टू नो दैट यू हैड वन दिस प्रेसिडेंट अवार्ड। मम्मी एक्चुअली मम्मी का ही प्लान था सारा। उनका मन था बहुत कि लाइफ में जो जो चीजें वो करना चाह रही थी वो चीजें नहीं हो पाई, तो ये क्लास ज्वाइन करो, वो वर्कशॉप जाओ, अगर पैर में हमारे चोट लग गई ना और हम डांस क्लास नहीं जा सकते हैं तो वो हमें तबला क्लास भेज देती थी कि एक महीने के लिए तबला ही सीखो बैठकर, पर कुछ सीखो। ये सारे हाँ डिस्कशन हो रहे थे। और उसके अलावा मतलब प्रेसिडेंट अवार्ड का एग्जाम में बैठना, तैयारी करना, विनय सप्रे सर मेरे गुरुजी हैं, तो विनय सर ने मुझे पेंटिंग का मतलब बोलते हैं स्केचिंग से लेके कलरिंग हर चीज में काम करवाया। एंड देन कल्चर भी बनाना होता है उसमें और क्राफ्ट भी होता है, तो तीन उसमें तीन मीडियम में आपको काम करना होता है। तो जब मैंने शुरू किया तो शुरुआत में उतना अच्छा नहीं था, मैं एवरेज काम करती थी, बट बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जा जाके अपनी टाइमिंग फिक्स करके मुझे पता चला कि सबसे कम समय में सबसे अच्छा काम कैसे किया जाता है। बिकॉज कॉम्पिटिशन आपको हमेशा टाइमिंग देता है, आपको टारगेट देता है, आपको बताता है कि आपको हर बार बेस्ट करना है, लेकिन समय सीमा थोड़ी कम है। तो हाँ एग्जैक्टली ये सारी चीजों में कॉम्पिटिशन हो रहे थे, जहां मुझे कुछ नहीं मिलता था, वहां एक पॉइंट के बाद ऐसा होने लगा कि कौन सी जगह नहीं होती थी जहां मुझे फर्स्ट प्राइज नहीं मिलता था। और भोपाल में मैं अखबारों में बड़ी हुई हूँ, तो
तो मतलब ऐसा होता था जिस कंपटीशन में जो मेरी पेंटिंग सबसे पहले तैयार होती थी, तो सारे फोटोग्राफर्स को सबसे इजी हो जाता था, बिकॉज जिसका पेंटिंग तैयार है उसकी फोटो खींचो और जल्दी घर जाओ। वाओ तो वाओ वाओ इतना इतना मजा आता था। और मतलब स्कल्पचर में भी कितना, मतलब शुरू शुरू में मिट्टी आपसे ऐसा ऐसा होता था, सन जाती थी, फिर एक पॉइंट के बाद आप मिट्टी के साथ जब आपकी दोस्ती हो गई तो इतना मजा आता था कि आप आटे की तरह उसको गूंथ के घंटों उसके साथ खेलते थे और आप चीजें यू बता देते थे। पेपर क्राफ्ट में भी ऐसे ही था, मतलब ओरिगेमी सिखाया था सर ने, फिर हमें 3D सिखाया। तो इन सब के साथ जब मैं प्रेसिडेंट अवार्ड एग्जामिनेशन के लिए बैठी तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल करते हुए, तो फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा काम कैसा है, और उन्होंने मुझे ये भी पूछा था कि तुम्हारे साथ और भी बच्चे हैं, उनमें से एक सरिता थी, सरिता द्विवेदी, जो बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, और वो हमेशा मुंह में ब्रश फंसा के पेंट करती थी, क्योंकि एक्सीडेंट में उसको एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से पैर नहीं था, हाथ नहीं था। तो ओह ये माय सारी गॉड। चीजों में मतलब मेरे लिए वो स्टोरी इतनी अलग थी, वो मेरे कमरे में रुकी थी। तो हाँ हम सब लोग एक साथ थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम दोनों में से किसी एक को देना है, किसको देना है फिर। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरा पहला ये था कि उसको दो आप, क्योंकि मेरा काम अभी उतना अच्छा नहीं है। तो वाओ पता वाओ नहीं उन्होंने क्या क्या समझने के लिए, क्या क्या सोचकर मुझसे वो क्वेश्चन पूछा था। बट वापस आने के बाद मैंने जब माँ को बताया तो माँ ने मुझे बोला कि उनको यही देखना था कि तुम्हारा जवाब क्या है। तो अच्छा हुआ, जो भी हुआ मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद मैं वापस आई और मैंने फिर से एक साल और मेहनत की, और नेक्स्ट ईयर जब मैं बैठी तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सिलेक्ट तो पिछले साल ही हो गई थी, बट इस साल तुम्हारा काम और निखर गया है। वाह वाह अमेजिंग। यू आर नॉट ओनली टैलेंटेड, यू आर ब्लेस्ड एज एन एंजल फॉर मेनी अदर पीपल इंदिरा, आई थिंक, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेक यू प्लेसेस। बीइंग हम्बल, बीइंग अपनी जमीन से जुड़े रहने की वो जो क्षमता है तुम में, इट्स वन ऑफ द टैलेंट्स। एंड जितनी भी आगे बढ़ो, जहां तक भी पहुंचो, इसको कहीं मत जाने देना। बिल्कुल। सबकी सबकी और और आपने नहीं जैसे, हाँ नहीं प्लीज प्लीज कुछ बोलो फिर मैं आता हूँ, क्योंकि शम्मा भूटे कुछ कह रही थी, परंतु उसकी बातें हम थोड़ी देर में करते हैं। हाँ तो मैं कह रही थी सारी बातों पे, माँ का जो आपने पूछा, माँ बहुत प्राउड थी, वो कभी भी इतना एक्सप्रेसिव नहीं है चीजों को लेकर, बट वो रोक भी नहीं पाई। और मैं प्रेसिडेंट हाउस में जब अंदर थी और प्रोटोकॉल भी हो रहा था, और उसके अलावा जब अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, दोनों में मम्मी को देखने लायक, उनका चेहरा देखने लायक था, मतलब वाह इतना एक तो वैसे ही वो बहुत कुछ है, तेज है उनके चेहरे का, और उसके साथ एकदम से उनकी एनर्जी और डबल ट्रिपल हो गई, बिकॉज उनकी आंखें इतनी भरी हुई थी और वो बस एक टक मुझे देख रही थी, और अवार्ड सेरेमनी हो रही थी। पर मुझे तब इतना पता नहीं चला, मुझे अब लगता है कि क्या मैं उतनी अवेयर, जितनी अवेयर मैं अभी हूँ, अगर उतनी अवेयर होती तो क्या होता, क्योंकि मैं उधर पे सेरेमनी हो रही है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं माँ को देख रही थी, बात कर रही थी, बच्चों से हंसी मजाक कर रही थी, कब होके निकल गया। फिर स्कूलों ने जब मुझे इनवाइट किया कि हमारे स्कूल में एडमिशन लो, हम एडमिशन देना चाहते हैं, और बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी हो रही थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने से यही होता है क्या। वाह मेरे मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं इंदिरा, ये सुन के। इट इज ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग प्राउड मोमेंट, एंड यू एबल टू डू सो मच फॉर योर मॉम, टू मेक योर मॉम सो प्राउड ऑफ यू। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड रिलेट दैट मोमेंट। किसी के भी आंखें भर आएंगी, मेरी आंखें सुन के भर आ रही है, तो आई कैन इमेजिन बिल्कुल व्हाट द पर्सन वुड बी गोइंग थ्रू एट दैट टाइम। बट मैं बात कर रहा था, शम्मा शम्मा बूटे कह रही थी कि शी इज ऑल्सो फ्रॉम MP, तो शी इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। सॉरी सॉरी इंदिरा, आई डिडंट वांट टू मेक यू सो इमोशनल। सो अभी अच्छे अच्छी 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 खुशी वाली बातों की तरफ चलेंगे। बट आई नो आई एम ऑल्सो गेटिंग टू इमोशनल, एंड होता है होता है होता है, क्योंकि ऐसे प्राउड मोमेंट आते हैं, उसकी यादें रहती हैं, और जब यू सी समवन हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, सीइंग यू विद द टियरी आईज, इट जस्ट मेक्स योर ड्रीम्स कम ट्रू। एंड आई एम श्योर शी विल बी लिसनिंग टू दिस शो, रिलेटिंग टू दिस शो, एंड इन द कमिंग ईयर्स मेनी 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 मोर मोमेंट्स आर गोइंग टू कम व्हेन दीस काइंड ऑफ
happiness teary moments are going to just overpower you. So God bless you. So Shama keh rahi hai, feel so proud of Indra. MP ka naam isi tarah roshan kijiye. Do Bhopali baithe hain yahan pe. I'm so sorry, Indra. I'm so sorry. No, that's fine. Actually, aaj itna special day hai na, to wo subah se hi shayad bhar raha tha. Yeah, aaj special day hai. Indra signed a movie. Indra's nazar went to Melbourne Film Festival. Even Indra told me about this video that she got about the Abhishek Bachchan and all, and she's standing there. Of course. And she came on RJ Rajiv ka show on Suno Audio. Isse zyada khush kismati ki baat kya ho sakti hai, Indra? अच्छा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और थिएटर की थोड़ी अच्छा इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं आई हैव कपल ऑफ गेस्ट हु वांट टू कम ओवर एंड आस्क यू क्वेश्चन सो कैन आई लेट वन बाय वन इन एंड कनेक्ट यू विद देम बिल्कुल क्योंकि मेरी बातें और हमारी कहानियां तो खत्म ही नहीं होंगी सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन श्री मिराजकर श्री आर यू देयर बडी यस आई एम ओके सो ब्रिंग योर फेस इन सो दैट वी कैन सी यू Hi. Hello, Sri. Hi, how are you? तुम्हें देख के तो मुझे वो मुन्ना भाई वाला याद आ गया कि चल पगले रुलाएगा क्या? You have such a radiant smile, Indra. I have to say that. But so going back to the question, I've watched Serious Men with a lot of interest, of course, and your performance. To work with and be directed by somebody like Sudhir Mishra and then working opposite Nawazuddin. You know, jab tumko pata chala ke these are the people who I'm going to be working with, these are the people who, are going to be, I'm going to be opposite Nawazuddin and all that. How did you feel? And, it was very natural. It felt like you've always acted with these guys so it was very, very, was it a daunting thing for you? And how did you prepare for that? So first तो कि मैं कलकत्ता में शूट कर रही थी अपनी फिल्म और उसी बीच में मुझे सीरियल के लिए ऑफर आ रहे थे तो जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आके देखो चीजें तुम्हें शायद पसंद आ जाए तो मैंने माँ से बात की एंड शी सेड कि एटलीस्ट तुम्हें जाना चाहिए चेक तो करो जाकर तो मैं यहाँ पर एक सीरियल की मीटिंग के लिए आई थी और मैं मना करके वापस जा रही थी और मुझे सडनली बहुत सारे नंबर्स सत्येंद्र जी ने दिए एंड सत्येंद्र का उनका बोलना था कि मैं वैसे जो भी जॉब करता हूँ मैं लाइन प्रोड्यूसर हूँ चीजें लेकिन मैं तुम्हारे सारे शोज देखे तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई अपनी तरफ से मैसेज ड्रॉप करो और देखो कि लोग तुम्हें क्या रिस्पॉन्ड करते हैं तो बम्बई आई हो तो ऐसे ही मत जाओ एटलीस्ट तुम्हें ऑडिशन देना चाहिए तो मैंने मुकेश सर को मैसेज ड्रॉप किया था एंड उन्होंने बहुत जल्दी रिप्लाई किया मुझे ही सेड कि अगर कल हो यहाँ पर तो टेस्ट देने आओ बिकॉज बहुत टाइम से हमें कास्टिंग के लिए वेट कर रहे हैं और दैट वॉज ओजा तो मुझे उन्होंने उसी टाइम पे बोला कि ओजा जो है वो नवाजुद्दीन की वाइफ का कैरेक्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग रोल है सुधीर मिश्रा जी डायरेक्ट कर रहे हैं तो मैंने बहुत पता नहीं मेरा काम बनाने का इंटरेस्ट इतना था कि मैं ये नाम भूल गई थी मेरे को नाम याद नहीं आया फर्स्ट पहले ये था कि पहले से क्रैक करना है तो क्रैक कैसे करना है तो मैंने इधर उधर साड़ी अरेंज किया मैं अगले दिन पहुंची टेस्ट दिया अच्छे से मैंने और निकलने के बाद फिर मैं बहुत शांति से मैं बहुत काम डाउन थी मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है और मुझे निकलते पता था कि अगर जेन्युइनली देखा जाएगा तो मेरा हो जाएगा ऐसा फील मैं लेकर आई थी बाहर उसके बाद मैं जब घर चली गई अपने और मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई तो मेरा सबसे पहला जेस्चर था मम्मी को बताया तो मम्मी जो हमारी मावे की जलेबियां मिलती है ना काली वाली वो जलेबियां लाई गई घर पे और उसके बाद हमने भाई भगवान को चढ़ाया भोग लगाया और उसके बाद मैं बैठ गई तो मैंने सबसे पहले बुक ऑर्डर करी सीरियस मैन मनु जोसेफ की और मुझे लगा अब मुझे पढ़ना चाहिए तो मेरा ऐसा हो रहा था कि सुधीर सर तो मेरे फेवरेट थे नवाज सर के साथ काम करने का मेरा एनएसडी से ही बहुत मन था तो मुझे पता था कि शायद मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस तरफ मैंने इमेजिनेशन में पुश कर दिया था और अब वो रियलिटी में हो रहा था
मैं शॉक्ड नहीं थी, मेरा ये था कि चीज मिल गई है तो अब इसको बनाना कैसे है, तो मैं पूरे टाइम उसमें थी। जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो मैं हर रात को एक बार स्क्रिप्ट रीड करके सोती थी कि मुझे पता चलना चाहिए कि है तो रोल इतना, बट इस रोल के आजू बाजू क्या बन रहा है। और दूसरा कि जो आज का टाइम है, आज के हमारा जो 2021 चल रहा है, या हम लोग 5 साल पहले भी देख ले, इसके पीछे भी जाके देख ले, लोग इतने स्मार्ट हो गए ना, एडवांस हो गए, अपडेटेड हो गए। तो इस सिनेरियो में ऐसा कैरेक्टर प्ले करना जिसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे कैरेक्टर्स गांव में मिलते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है और वो अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपनी चीजों में रहते हैं। तो मेरा ये था कि अगर मैं वो अचीव कर पाई ना, जहाँ पे जैसे उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है तो पूरी फिल्म में जब जब इंग्लिश में बात हो रही है उसका चेहरा देखने लायक है। तो बेसिकली जब कोई मेरे सामने बात करता था तो मेरा ये होता था कि बोल क्या रहे भाई मतलब ऐसे सबटेक्स्ट में हमेशा यूज करती थी अपने लिए, तो वो मेरे चेहरे पे आता था। और प्रिपरेशन की बात करें जहां तक, तो जब हम लोग सर से डिस्कशन हुआ, सर से मीटिंग हुई एक बार कि रीड करके देखा तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, तो फिर मुझे मन में ये बात आई कि एक कस्तूरी करके जो चाइल्ड एक्ट्रेस थी उसमें, जो अक्षर के साथ में थी, एक छोटी बच्ची कस्तूरी, तो उसके मतलब डिस्कशन होते होते उसके पापा को मैंने पूछा, मैंने कहा भैया मुझे ना थोड़ा सा ऐसी जगह पे लेकर जाओ जहाँ पे तमिलियन फैमिलीज रहती। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लेके चलेंगे तुमको, पर टेंशन मत लो। और वो मुझे लेके गए, तो मैं 2-3 दिन ट्रैवल की वहां पे मस्त, और मैं नेहरू नगर गई। नेहरू नगर में जाके मैंने वहां पे लोगों के घर में घुस के ऐसे ही कॉफी पी, चाय पी, गप्पे मारे। लोगों ने मुझे बड़े अच्छे से कि अच्छा घूमने के लिए आए हैं, आपके रिश्तेदार है, ऐसे करके बिठाया। तो मुझे जो जो क्वेश्चंस मन में आ रहे थे मैं उनसे पूछ रही थी, जैसे उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका कल्चर क्या है। अगर घर में उनके देखे तो बेसिकली हर आदमी का वो किस भगवान को मान रहे हैं, अगर उनके बॉडी पे कुछ धागे तो क्यों है, अगर कोई एक रिचुअल है वो रिचुअल रोज करते हैं तो वो क्यों करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस मन में आ रहे थे मेरे। तो मुझे लग रहा था भले ही वो बैक स्टोरी के लिए रहेगा मेरे, पर मुझे कहीं पे भी ऐसे नहीं रहना है कि मैं वहां पे खोज रही हूँ क्या करूं मैं। तो मुझे बहुत सारी चीजों के साथ जाना था पर उन चीजों को इस्तेमाल भी नहीं करना था। तो मैं इस तरीके से अपनी लेयरिंग तैयार कर रही थी। जैसे बहुत मजेदार होता है, जैसे गली है ना, गली में औरतें चल रही हैं, तो उन औरतों में एक औरत तेज चल रही है और पीछे से एक औरत जा रही है, तो अगर इसने देख लिया उसके पैर में कितनी पायल है तो वो साइड हो जाती थी। तो मैंने 2-3 बार जब चलते हुए मैंने बोला कुछ अजीब सा नहीं हो रहा है, लोग एक दूसरे को अजीब तरीके की साइड दे रहे हैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ, झुक झुक के, है क्या ये। तो वो मुझे बोले कि यहाँ पे ऐसा है कि मान लो कोई बंदा है जो पानी सप्लाई करता है, तो उसका स्टेटस ये है, जो बाकी जो जॉब करते हैं उनका स्टेटस ये है, तो जिनका स्टेटस ये है ये ज्यादा पायल पहने, जिनका स्टेटस ये है ये मे बी एक पायल पहने या तो धागा पहने। तो अगर उन्होंने देख लिया कौन चल रहा है आगे तो वो स्पेस देंगे। नेहरू नगर है यहीं पर पास में, वहां पे सारी तमिलियन फैमिलीज हैं जो मिक्स है, मतलब मुंबई और तमिलियन मिक्स फैमिली है। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें मैं लेकर आई। और एक फैमिली थी जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे अपना पूरा शादी का एल्बम दिखाया, तो मेरे लिए था कि यस ये पॉइंट आया है, क्या है ये। Wow, that's amazing actually too. And you bring out all those characters, the छोटी छोटी चीजें जो तुम वहाँ पे absorb करके आई हो, वो सारा कुछ wonderful. दूसरा मनु जोसेफ सर की बुक में भी जैसे लिखा है, सीरियस मैन का जो मेन पॉइंट है कि आप जब किसी को बहुत देर तक, किसी को भी आप बहुत देर तक सीरियसली देखते हैं ना आफ्टर, और वो सीरियस दिख रहा है, सीरियस आदमी को आप जब गौर से देखते हो तो आपको हंसी आने लगती है। तो उनका जो फोटो एल्बम था ना शादी का, वो ऐसा था जैसे किसी ने बंदूक रखी है यहाँ पे, तो शादी हो गई है और हस्बैंड वाइफ ऐसे शादियों में यही होता है। तो कुछ इस तरीके की कुछ कुछ चीजें मैं लेकर आई थी, तो मुझे वापस आने के बाद इतना मजा आया ना, मैंने कहा ये सब मेरे अंदर है, अब बस मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। और जैसे होता है ना नवाज सर के, तो मैं ऑलरेडी फैन तो थी, बट अभी तो ऐसा था काम करना है तो कहीं वो ओ में नहीं निकल जाए, इसलिए मेरे मन में सबसे पहली बात है कि फैन का जो होता है ना पागलपन, वो वाइफ का भी पागलपन होता है,
बिकॉज वाइफ के लिए उसका हस्बैंड हीरो है. Wow, wow, amazing. तो इस तरीके से वो अपने आप मुझे स्क्रिप्ट ने मेरा तरीका दे दिया. मुझे लगा स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ने से आपको स्क्रिप्ट अपने आप बताती है कि आपको उसके साथ करना क्या है. Right. Yeah. It clearly shows that the hard work that goes behind. हम लोग मूवी देखते हैं, we movie के characters देखते हैं, we appreciate the acting part of it, but all the homework that goes behind it is a journey by itself. So thank you, Indra, and thanks Sri for joining in. Appreciate it. और इंदिरा यहाँ लंबी लाइन लग रही है. वी हैव गॉट द नेक्स्ट गेस्ट कमिंग फ्रॉम एटलांटा, माला श्रॉफ. सो श्री थैंक यू सो मच. आई एम गोइंग टू टेक यू बैक स्टेज. यप. एंड ऑल द बेस्ट इंदिरा. थैंक यू. एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन माला. मुझे तो लगता है मेरा इंटरव्यू विल बी ओवरटेकन बाय ऑल द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप फॉर यू इंदिरा. आपका काम आसान हो गया. मेरे ये 15 पेजों का क्या होएगा जिस इतनी तैयारी करके बैठा था मैं. 15 पेजों के लिए इंटरेस्टिंग है. आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत स्टोरी डाली होती है. हर दिन एक क्वेश्चन पूछो, हर दिन एक जवाब मिलेगा. अरे वाह, क्या बात है. आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग. मैं रोज एक एक नया नया स्निपेट डाल दिया करूंगा, एक क्वेश्चन मेरा और इंदिरा का, एंड देन एक एक जवाब आएगा उससे. तो वाइल माला इज स्टिल ज्वाइनिंग, आई डोंट नो, शी मस्ट बी हैविंग सम स्ट्रीमिंग इश्यू. थिएटर के बारे में बातें करते हैं वेरी क्विकली. सो आई एम इन्वॉल्व विद थिएटर. आई लव टू एक्ट एंड हैव बीन इन थिएटर. और इनवेरिएबली थिएटर एक्टिंग में बहुत सारी कहानियां जुड़ जाती हैं, या तो डायलॉग भूलने की, या स्टेज की रॉन्ग एंट्री की, या कमोडरी की, या रिहर्सल्स की. इट्स लाइक एवरी एक्ट. एक किस्सा सुनाता हूँ कि आई वॉज बींग डायरेक्टेड बाई अमोल पालेकर जी फॉर आधे अधूरे, और उसमें जगमोहन का जो कैरेक्टर था वो मैं निभा रहा था, और मेरे साथ मेरी को एक्ट्रेस थी सुमा मुरलीधर करके. और उसकी जो पहली एंट्री है, द मोमेंट आई एंटर ऑन द स्टेज, उसके दो वर्ड्स थे, हेलो कुकु. बेसिकली आई एम जस्ट ग्रीटिंग दिस लेडी, हेलो कुकु. और अमोल जी ने मुझे वो दो शब्द हजारों बार कहलाए होंगे, कह कह कि उस दो शब्दों में क्या मिठास आना चाहिए, किस तरह की डिलीवरी होनी चाहिए. और उसने कहा, उन्होंने कहा था कि थिएटर की जो आखिरी रो में जो लेडी बैठी है उसके सीधे दिल को जाके छूना चाहिए ये दो शब्द. और जो भी ड्रामा के रिहर्सल में आता था उनसे हमेशा अमोल पालेकर जी कहते थे, अच्छा तुम कहो हेलो कुकु, तुम कहो हेलो कुकु. देखने के लिए हर लोग किस तरह का, वही दो शब्द को कितने तरीके से कहा जा सकता है. तो मुझे तुमसे जानना था योर एक्सपीरियंसेस अबाउट थिएटर, इधर लाइन भूलने की, या जल्दी एंट्री की, या लाइनें याद करने की, कुछ भी, जो भी, बिकॉज देयर कैन बी सो मेनी एक्सपीरियंसेस, राइट. मैं लाइंस, अगर मैं ऐसे बोलूं, मैं लाइंस नहीं भूली, ऐसा नहीं हुआ. मैंने इम्प्रोवाइज भी बहुत ज्यादा नहीं किया, क्योंकि मेरा शायद बचपन से ट्रेनिंग उस तरीके से हुई थी, और मेरा प्रोसेस स्लो है. मतलब मुझे चीजें देखनी और छोड़ देनी है, तो मैं रट रट के नहीं कर सकती. अगर मैं सोचूंगी कि मैं क्या बोलने वाली हूँ तो मैं भूल जाऊंगी. तो मेरा ऐसा है कि अगर वो चीजें अपने आप हो रही है फ्लो में, तो वो एक नंबर हो जाएंगी. बट कुछ कुछ चीजें हुई, जैसे कि कभी कभी हो जाता है किसी की एंट्री पहले हो गई, आपका थोड़ा, आपको साड़ी चेंज करनी है, कुछ करना है. तो एक बार हमारा विरासत प्ले चल रहा था एनएसडी में, और मैं नवारी पहनती थी, तो मैंने फर्स्ट डे ही बोला था कि मैं खुद नवारी पहनूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे पहना रहा है और मैं लेट हो जाऊं एंट्री में. तो मुझे पहनना आना चाहिए, और कैरेक्टर वाइज भी मुझे आना चाहिए. अगर मैं पूरे परिवार को संभाल रही हूँ तो मुझे आना चाहिए. मेरे दिमाग में वो बात थी. तो ऐसे एंट्री, किसी ने पहले से डायलॉग बोला, मैंने कहा कि शायद कुछ हुआ है, और मैं कान लगे हुए थे, तो मैंने इतनी देर में तो साड़ी बांधी, और जब तक मैं एंड करती तब तक तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए, मेरा टाइम है. बिकॉज तो मैं बांधते बांधते ही निकल गई, और जो जहाँ पे वो पूरा गेट होता है उसके पीछे ही छुप के, जैसे होता है ना कि मैं बात भी कर रही हूँ और मैं पहन भी रही हूँ, क्योंकि जल्दी है, तुम निकल नहीं जाओ. तो मैंने उसको, मैंने बहुत अच्छा मर्ज कर लिया था, तो मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं. मुझे लगा मैं हर बार रेडी थी, हो जाता है ना,
थोड़ा इतना थिएटर करने के कुछ फायदे होते हैं। हाँ लेकिन सबसे मजेदार क्या था और इंटरेस्टिंग क्या था, मतलब हाँ सबसे डरावना, मतलब हमारा एक प्ले चल रहा था अगस्त का ख्वाब, और उसमें हमको हार्नेस में ऊपर टंगाया हुआ था, तो इतना हाइट पे मैं कभी नहीं गई थी, और उसमें जाना, अपने टाइम पे चीजें खोलना, जल्दी से उतर के नीचे आना, नीचे भी डायलॉग बोलना, ऊपर भी रहना, तो एंट्री के पहले बहुत देर तक ऊपर रहना पड़ता था, तो मुझे लगा शायद मैं गई, तो मैं चॉकलेट लेके ऊपर वेट कर रही हूँ कि भाई राम जी जल्दी हो जाए, बस कब नीचे उतरू, कब डायलॉग बोलू मैं। और अच्छी बात ये थी कि मेरे पूरे एनएसडी के जितने भी प्ले हुए 3 साल में, मम्मी मेरा इसी प्ले के टाइम पे आई थी, मम्मी ने मेरा ये प्ले देखा था। ओके तो सत्यव्रत राउत सर ने इसको डायरेक्ट किया था और हम लोग कर रहे थे, तो बहुत बहुत ही ड्रीमी था प्ले, इतना मजा आया ना, तो उसमें बहुत अलग चीजें थी, मतलब हाइट था, जो जो मुझे डर लगता है वो सब था, तो मैं ऑलमोस्ट वो सब पार कर चुकी थी, तो इस तरीके की चीजें हुई। मेरा को एक्टर है, बहुत बहुत मजा आता था, मुझे रवि के साथ बहुत मजा आया, रवि मेरे बैच का बहुत अच्छा एक्टर, मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट एक्टर है बैच का। और रवि का ऐसा है, रवि मस्त खेलता है और अपनी चीजें जमा के करनी करता है, तो उसका ऐसा कि देख लेना कुछ भी हो जाए, देख लेना चल जाएगा, तो कभी कभी वो अपने टाइमिंग में अपनी चीजों में कुछ चीजें आगे पीछे करेगा बोलेगा, तो उसके साथ मुझे हमेशा एक्टिव रहना पड़ता था, हर बार मेरी उसी के साथ पेयरिंग होती थी। वाओ तो उसके साथ बहुत मजा आया, मतलब उसके साथ आपको रेडी भी रहना है, कभी कभी कुछ चीजें अगर आगे पीछे हुई तो उसको संभालने, क्योंकि वो बोलते हैं ना फिक्स नहीं है, तो मुझे लगता था उससे मुझे क्वालिटी सीखनी चाहिए, क्योंकि बचपन की ट्रेनिंग ने मुझे ऐसा कर दिया ना कि हर चीज परफेक्ट क्यों करनी है। हाँ। तो मेरे एक बार टीचर ने भी मुझे बोला था कि जब मैं तुम्हें कहता हूँ कुछ भी करो तो तुम थोड़ा सोच के संभल के करती हो, हर चीज सुंदर करनी होती है इंदिरा, सब कुछ सुंदर नहीं होता है। हाँ, right. Life is not just perfect all the time. Yeah. उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि तुमने बचपन में क्लास, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बहुत वर्कशॉप्स कराई है, तो उसके अगर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो उसका माइनस भी है तुमको, बिकॉज हाँ. दिमाग में पैटर्न्स बने हुए हैं, दिमाग में एक प्रिपरेशन एक चीज है, तो उसे ब्रेक करना सीखो सबसे पहले। राइट ये सारी चीजें हुई, तो एनएसडी का टाइम बहुत इंटरेस्ट, बहुत मजा आया। We'll talk about it. मैं दो गेस्ट और को लेके आता हूँ इंदिरा, वन इज अक्षिता जॉइनिंग फ्रॉम दिल्ली। हाय अक्षिता। हाय हाय इंदिरा, हाय राजीव। एंड वी हैव प्रतीक जॉइनिंग फ्रॉम डीसी, सो व्हाइल प्रतीक इज स्टिल कमिंग अप, सो अक्षिता यू हैड क्वेश्चन राइट? यस, गो अहेड अक्षिता। Hey, Pratik. Huge fan. So I just wanted to know, have you ever met like Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, and have you ever had that fangirl mom moment? Have you ever been that starstruck? So, मैं आपने दोनों नाम लिए और मैं दोनों से मिली हूँ, एक के साथ मैंने काम भी किया है, तो oh yeah, आरक्षण with Amitabh Bachchan ji, right? एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैं आरक्षण में थी, प्रकाश सर की मूवी थी, तब मैं अमिताभ सर से मिली थी, और उसके बाद जो सेकेंड मीटिंग मेरी हुई शूटिंग के बाद, वो मैं दिवाली पार्टी में मिली थी उनसे, जब मैं 2019 में यहाँ आई थी फिल्म की शूटिंग के लिए, और उसी पार्टी में मैं शाहरुख जी से भी मिली थी। तो वैसे मैं मतलब पिक्चर देख के अच्छा काम कर रहे हैं, मजा तो आता है, लेकिन मैं कभी वैसी वाली दिवाली नहीं थी जैसे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है श्रुति, वो शाहरुख खान की मतलब पागल फैन है, पागल मतलब उसके पास सब कुछ है, कार्ड फोटोग्राफ चीजें, मतलब उफ। तो हमारे बीच में जब भी बात होती थी चीजें कि जो पहले मिलेगा वो फोटो खींच के लेकर आएगा दूसरे के लिए, तो मैं जब दिवाली पार्टी में मिली तो शाहरुख सर को मिलके मैं उनको बहुत सुन रही थी, उनका बहुत ग्रेस, इतना ग्रेसफुल बंदा, और आपको वो फील करा देंगे कि इतने लोगों में सिर्फ आप ही हो, आप ही से वो बात कर रहे हैं, उनके 24-25 मिनट सिर्फ आपके लिए है और कोई भी नहीं है आजू बाजू, तो ये जो फीलिंग है ना, आपको स्पेशल फील करा देना, इसी वजह से शायद वो उनके फैन फॉलोइंग, और बोलते हैं ना कि कई बार अगर हीरो या हीरोइन की शादी हो जाती है तो फैंस थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बट उनकी फैन फॉलोइंग में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा लाइफ में। वाओ ये रीजन हो सकता है।
तो दोनों से मैं मिली हूँ और लेकिन हाँ तो आपने जो पूछा मेरा फैन मोमेंट कब था, मैं दीप्ति नवल जी से जब मिली वो मेरा फैन मोमेंट था। मैं उसी पार्टी में दीप्ति मैम को मिली, दीप्ति मैम के साथ मैंने बात की और मैं पूरी पार्टी में उन्हीं के साथ बैठी थी, मैं कहीं नहीं गई। तो इतना इतना मतलब मेरी लाइफ का इतना स्पेशल टाइम था क्योंकि हम उन्हीं को देख के सोचते थे ना कि अगर ऐसे ऐसे मतलब कितनी सुंदर सुंदर फिल्म्स उनको मिली, उनको गाने उनके ऊपर चीजें हो रही हैं, डायरेक्टर उनको इतने अच्छे मिले, उनका समय कितना था। मुझे हर बार लगता है मैं शायद गलत समय में आई हूँ क्या, मैं शायद अपने आप को उस समय में देखती हूँ, पर ऐसा नहीं है, जो हुआ है वो सही है। Yeah, exactly. And we'll come to that point again. So thank you so much, Akshita, for joining. Thank you for having me. Yeah, Akshita out, and I'm going to bring Mala in. She has been waiting for a while. So Mala is joining from Atlanta. Hi, Mala. Mala. Oh, ये मुझे पता होता तो मैं पहले कर देती। How are you? I'm good. How are you? I'm good. I'm at work on a lunch break, but it's an honor to meet you. Really, like I've been listening to your stories and everything, and just stay blessed. Oh, that's all I can say. Very inspiring. Very, very inspiring. Thank you. I'm sorry. I didn't mean to make you like tearing up, but seriously, it is very inspiring to all of us because. To be beautiful inside out is a big job, and you do that like you do it so naturally. Thank so you. So coming to my question, so my question is like, you're welcome. She's so. So my right. question is like, what was your experience as a newcomer, and has that changed in a decade? What last line? क्या बोली आपने? So, like your experience as a newcomer, and has it changed at all? Okay. Has that changed? So, in a decade, you've been in the industry for more than 10 years now, correct? Okay. So basically, I'm a theater person, but all of a sudden, I got films which I haven't dreamed of doing films. This is not my plan. So I feel it suddenly happened and the universe is giving me all these things. So I just take all these things and I'll try my best to do. So as a newcomer, when I came to Mumbai, when I came to Kolkata, when I went there for my first film with Shuman Mukhopadhyay sir. So Shuman sir is already, he's working in films as well as in theatre. So as a director, he always like in the beginning, he takes things very slowly and he tells me what is the difference between the theater performance and a film, and if you are in a cinema frame, whatever, with the feeling wise and the degrees, it's all about the degree. Always degree will be changed, but other sab kuch theek ek jaisa rehta hai. So I think that was the point. And my co-actor, especially Tanmay Dhananya, he's from Radha, and he's brilliant. So while working with him, I learn a lot of things regarding cinema, about the scene making, when you are doing the characterization with your co-actors, what you are taking to the table. And creatively also, we have done so many physical like workshops. 2-3 days we had a workshop and then we go for a script reading, and lots of time Suman sir is telling us the story again and again. So I was asking him, why are you like not reading, but you are telling, and I think you are making the film in front of us. So he said, yes, take your time, think and create yourself. Whatever you feel like, just tell me. And hum log, hamare costume bhi hum khud khareedne gaye the. So this point is very special when the actor is going and he just buy his own clothes, which they are wearing. In their life, the character life. So all these things happen with me. So in Mumbai, like now back to your question, when I came here in Mumbai and I got this film with Sudhir Mishra sir, the Netflix film.
it was never will be like the newcomer wala thing, because people are very welcoming here. And if you are very talented and skillful in your job, you know your job better. So they are treating you like this, like you are the queen. So I'm very lucky. I'm very blessed that I मुझे उतना सब कुछ face करने नहीं मिला maybe. And in my first film only, I haven't given the audition. I'm selected because my director wants me to work with him. So all these things, and I feel, at some point, I think there is in the industry, there is this thing of known face and a newcomer. You are a new face and you are known face. So so many times they are asking you to please calm down. If something happened, if you have seen some article, don't react on that article because you are a newcomer. And after a point when film came, then only people taking your interviews and they are talking about your work. But before that, maybe we are not giving you that much space because you are a newcomer. So, yes, I have faced some of these things, but these are the small things that I feel it's a small thing. Great. Thank you so much, Maha. Yeah, that's good that you are getting, you got those guidance. And thank you, Rajiv. Thank you so much. Wishing you continued success in the God bless. Thank you. Thank you, Mala. Thank you, Mala. And so Indra, Sangeeta Bulbul Agarwal is saying, you're breaking every mold, Indra. Countless Indian women will see themselves in you and you are telling their stories. Mera sawal, uska bhi sawal hai. Dekho, virtual sawal aaya Sangeeta ka. यहां से आगे एक हिंदुस्तानी औरत का पोर्ट्रेयल किस तरह से बदलेगा, फीमेल पर्सपेक्टिव से बताओ. वेरी नाइस ना, वेरी नाइस. संगीता ने एकदम लोडेड क्वेश्चन पूछ दिया है. बहुत ज्यादा, मतलब अभी मैं जब तक आके अपने आप को थोड़ा सा जमा के और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आई कैन बी दिस, आई कैन बी दैट, प्लीज मेरा रेंज थोड़ा देख लो, वहां पर यस मैं उसे ब्रेक कर पाई हूँ. एंड आई हैव दिस फीलिंग कि मेरा जो पेशेंस लेवल है, जहाँ पे मेरे पास सीरियस मैन के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए थे बट मैंने नहीं चुना उनको, बिकॉज हर बार मैं वो ओजा ही प्ले नहीं करना चाहती हूँ. तो अगर एक फीमेल एक्ट्रेस है, लाइक अभी आप आज के टाइम में देख लो तापसी है या और भी एक्ट्रेसेस है, मतलब मुझे बहुत पसंद है कि वो लोग इतना वेरिएशन में काम कर रहे हैं, इतनी चीजें हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंगली चीजें बदल रही हैं. एज अ लीडिंग लेडी दे आर वर्किंग एंड मेक अस फील प्राउड. और हम लोगों को भी इतनी एनर्जी आती है कि अभी चीजें बदल रही हैं तो होगा. तो मुझे भी अंदर से फील हुआ, तो मैंने भी अपने आप को बहुत जगह पे रोका है. एंड नाउ अब जैसा मैं चाहती हूँ उस तरीके के रोल मुझे मिल रहे हैं, तो जब मैं उन्हें प्ले करूंगी मेरा ग्राफ चेंज होगा. तो आई थिंक ओपननेस आएगी और अभी चीजें बदली हैं, क्योंकि फिल्मों में एक होता था जहां हीरो है और हीरोइन सपोर्ट करते हुए आगे फिल्म की कहानी चली जाती है. अब यहाँ पर एक हीरोइन की कहानी भी चल रही है, जहाँ पे पिंक जैसी फिल्म आती है, जहां पर आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी फिल्म आई है जिसमें आप कहानियां देख रहे हो. क्वीन जैसी फिल्म आती है जहां पर एक फीमेल प्रोटोगोनिस्ट है जिसकी कहानी चल रही है, चीजें हो रही हैं और उसकी उसकी फीलिंग को बताया जा रहा है. तो इस तरीके की बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मेरे पास भी आ रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ. तो अगर हम सारे एक्टर्स मिलके आपस में बात करते हैं और बोलते हैं ना, एक दूसरे की कमियां होती हैं या कुछ चीजें जो मुझे जल्दी पता चल गई, कुछ लोगों को लेट पता चलती है, कभी कभी हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता है. तो मुझे लगता है एक्टर्स को आपस में बात करना चाहिए, और बात करने से क्या होता है, हमारा दायरा भी खुलेगा और हम सब लोग एक जोन में होंगे, हमें हमारी क्वालिटीज पता होगी, हमारी इंपॉर्टेंस पता होगी, तो फिर चेंजेस आएगा. मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस आई तो मुझे ऐसा लगा यार मैं इनमें से एक हूँ, बट जब वो ट्रेंड बदलने वाली थी उन्होंने खुद अपना रास्ता बदल दिया. तो ये पॉइंट मेरे लिए हर बार था कि ऐसा क्या हुआ कि सामने वाला चला गया, मतलब वो ब्रेक क्यों लग गया, या फिर आप ऐसी फिल्मों की तरफ चले गए जो फिल्में, मतलब मैं नहीं बोलती हूँ इंडिपेंडेंट फिल्म बुरी है या कमर्शियल फिल्म बहुत अच्छी है, मैं कहती हूँ फिल्म फिल्म होती है,
लेकिन फिल्म को करते हुए सडनली आपको एकदम से आप अपने आपको डाउन कर देते हो कि शायद आप कमर्शियली उतने नहीं हो. मेरा बोलना है वो कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहना चाहिए. आप हर जगह हो सकते हो. मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है. मैं सुधीर मिश्रा सर की फिल्म में भी हूँ. मैं बंसाली सर की फिल्म में भी हूँ. तो मैं ये रेंज अगर पार कर सकती हूँ तो कोई भी पार कर सकता है. राइट. तो एज अ एक्टर होने के नाते मुझे वही फील हुआ कि मैं थोड़ा सा ऐसे डिसअपॉइंट हो गई. मैं जिन जिन को पसंद कर रही थी वो एकदम से कहीं चली गए. फिल्मों का कुछ अपडेट नहीं मिला. फिर मुझे लगा अरे अभी ये तो आफ्टर द पॉइंट शायद मे बी शी कैन बी द लीडिंग लेडी बट पता नहीं क्या हुआ. तो ये फील्ड आपको कभी कभी एक जगह पे फंसा देती है. थोड़ा रुका देती है. आपको एक तरीके के रोल करने पे मजबूर करती है बिकॉज आपने कुछ प्ले किया है और उसे देखकर ही आपकी अगली कास्टिंग होती है. बट एज एन एक्टर अगर आप थोड़ा पेशेंस रखो. मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है बट थोड़ा पेशेंस रख के अगर आप राइट चीजों का डिसीजन मेकिंग करोगे सही सिलेक्टिविटी करोगे तो वो आपको बांध नहीं पाएंगे. बिकॉज हम अपने आप को ही कितना प्ले करेंगे ना. एक रोल को कितनी बार प्ले कर सकते हैं बताओ. राइट. बट डू यू थिंक इंद्रा की जो आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है जो हमारे जब किसी भी काम में जब हम बढ़ रहे होते हैं तो एक हमारी आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है कि हम मुझे ये करना है ऐसे करना है वैसे करना है सारी दुनिया में सब लोग अच्छे हों मेरे जैसे ही हों मैं सबसे प्यार करती हूँ सब मुझे भी प्यार करे मैं सबका ख्याल रखती हूँ वगैरह वगैरह. राइट. पर जैसे ही सफर चलता जाता है लोगों की हकीकतें सामने से खुलने लगती हैं पर्दे हटने लगते हैं. तो उस हालात में व्हेन योर आइडियलिस्टिक सिचुएशंस कंटिन्यू टू चेंज बाय सीइंग द फेसेस जो लोगों के चेहरे मुखौटे आने सामने शुरू होते हैं तो तब क्या कैसा महसूस होता है कैसा लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. और उसी से एक और प्रश्न भी मेरे दिमाग में अभी अभी आया कि जब आप चढ़ने लगते हो आपको नए नए रोल्स मिलते हैं आपका नाम होता है आपको लोग पहचानने लगते हैं तो कई लोग तो ऐसे भी आते होंगे जो आपका उस पोजीशन का फायदा उठाना चाहते हैं. सडनली आपसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है बड़ी अच्छी पहचान हो जाती है. इंदिरा को तो मैं बचपन से जानता हूँ इंदिरा को तो यहाँ भी देखा था वहां भी देखा था इंदिरा मेरे लिए ये करवा दो मेरे लिए वो करवा दो. तो उस हालात में तुम्हारे मन से क्या गुजरता है क्या होता है और ऐसा हुआ है क्या कभी ऐसा पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ है कि अब इंदिरा कहीं पहुंच गई है तो सडनली इंदिरा मेरे लिए ये कर दो या मेरे लिए वो कर दो. मुझे आपके पहले प्रश्न का जवाब यह है कि कौन मुखौटा उतर रहा है कौन क्या कर रहा है किसका क्या हो रहा है. मुझे इतना पता है अगर मेरा पीस ऑफ माइंड जा रहा है तो मैं उधर पे हूँ नहीं. दूसरा मैं अपने अलावा मेरी फैमिली है मेरी मम्मी मेरी बहन है घर पे मेरी अपनी लाइफ है मेरा काम है. इसके अलावा मैं ज्यादा एनर्जी नहीं देती. हाँ उससे ज्यादा एनर्जी मैं उन लोगों में देना पसंद करती हूँ जो मुझे राह चलते लोग मिल जाते हैं. भले ही वो बस पे कोई बंदी कोई मुझे मिल गई या मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे साथ बैठकर कोई ट्रैवल कर रहा है तो मुझे ऐसे लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है. मैं उन लोगों को समय देना पसंद करती हूँ क्योंकि वो नए लोग हैं ना तो वो जब तक मुझे समझेंगे कि मैं कौन हूँ तब तक मैं निकल जाऊंगी. और जो ये मुखौटे वाली बात आपने बोली तो मुझे वो लगता है कि मैं किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ क्योंकि शुरू से मेरी माँ ने मुझे एक ही चीज बोली अगर तुम्हें तुम्हारा काम आता है ना तो तुम अपनी चीज पे अपनी जगह रहोगे. जैसे कि अभी सूरज है सूरज अपनी जगह निकलता है अपनी जगह डूबता है अपनी चीजें करता है और लोगों को जो चाहिए वो लोग ले लेते हैं. बट सूरज इतनी दूर है आप पहुंच नहीं पाते हो क्योंकि पहुंचोगे तो जल जाओगे ना. हाँ ये बहुत कितनी गहरी बात बोली इंदिरा तुमने. ये तो मेरी अगली कविता के लिए मेरे मुझे प्रोत्साहन मिल गया है एक तरह से. इतनी गहरी बात बोली बहुत ही अच्छी. इसका कहानियां और आगे बढ़ाएंगे. आई थिंक प्रतीक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं पीछे स्टूडियो में बैठा हुआ तो मैं उसको ले आता हूँ उसके क्वेश्चन के लिए और फिर हम अपनी और बातें आगे बढ़ाएंगे. कोई जल्दी तो नहीं है ना जाने की इंदिरा. जल्दी नहीं है तो फटाफट रैप अप करेंगे बट लेट्स ब्रिंग प्रतीक ओवर उसके क्वेश्चन के लिए. हाय प्रतीक. हाय हाय आई हैव अ क्विक क्वेश्चन. Hi, I'm just curious in terms of all the co-stars you work with, who's your favorite that you worked with so far and what makes a good co-star for you to work with? So all in one. So it's again, like, there is no favoritism.
because from each and every co-star, I have learned a lot. Like from the beginning, Tanmay Dhanania, he's brilliant, and he, the way he his process was very interesting. So it's in the beginning only. I feel after this, Nawaz sir, he has his own his own way of doing things. He's very impulsive and very well, the improvisation. He always believe in improvisation most of the time, and he gives add on. He always add on and he gives plus to the scene. So he is very creative and all. Alia was also very, very good. She's very talented, very young. So I don't think so ki I can give someone very 100 marks, then 80 marks, then 60 marks. But all of them are really nice. And with my second film, Srishti, I have worked with Sumit. So Sumit Thakur, he is again the another guy who is also very much deep into his technique or whatever his process he's searching for. So I say favorite though, I don't have any favorite. But yeah, Tanmay was getting the extra point because he's always special. He's always special. With the other actors, we are like meeting at the shooting point. Like if 6 to 6, we meet at 6 to 6. But with Tanmay, we have shared the apartment. We are working there only because there is a process in Kolkata. Directors give you the apartment where director, actor, all are staying there only. And they work together. They have this workshop. And it's a family kind of thing. So Tanmay was always special. He's taking care of me. He always asks me like, when they bolte na ki, he always feed me. So, he's special. Awesome. Thank you so much. Thank you, Prateek. Thank you for joining. Thank you, guys. Thank you. Okay, Indra, we are at the top of the hour. Pantu, jaane se pehle, jise maine kaha, mere to itne sare questions the, to kuch questions ko main bacha ke rakhunga, sambhal ke rakhunga, agli baar aur baatein karne ke liye. आप पूछो, मैं धीरे धीरे छोटा छोटा करके बताती हूँ मेरे को कहानी बोलने की नहीं, 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 नहीं इतनी इतनी रफ्तार से कुछ नहीं करना अगर क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस है ना उनके पीछे कहानियां ही कहानियां होंगी तुम्हारे पास और मुझे सारी कहानियां सुननी होती है तो मैं फिल्मों के बारे में बातें जो है वो बात के लिए संभाल के रखूंगा. एक तुम्हारे में हुनर है जो मुझे अच्छा लगा, मुझे भी वो करने के लिए अच्छा लगता है, वो है परदेशियों से बातें करना, उनके साथ दोस्ती करना, एक तरह से कनेक्शन बनाना. तो मुझे याद आते हैं बचपन के दिन जब ट्रेन में जाया करते थे तो ट्रेन में नए लोगों से मुलाकात होती है और इतनी बातें निकल आती हैं, इतने अच्छे कनेक्शन बन जाते हैं कि उन जर्नीस में मेरी राखी सिस्टर्स भी बनी हैं जिनके साथ अभी तक कनेक्टेड हैं. वो सफर कहीं और शुरू हुआ था और अभी तक इतना प्यारा सा रिश्ता, इतना प्यारा सा कनेक्शन बन गया है. तो how do you feel, how do you do it, and what are your thoughts about connecting with strangers who move on to become a critical part of your life? So maine iske upar socha bhi beech mein kyunki main bahut jaldi ghul mil jati hu and mujhe pata hai main right energies se milti hu because agar wo sahi energy nahi hai to main us area mein waise bhi nahi rehti, main nikal jati hu. तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल होना, एक तरीके से अपने आप को स्पिरिचुअल रखना और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा कट डाउन करना, मतलब ये है लेकिन जरूरत के लिए है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ. जब आप वो कर देते हो और आप सारी चीजें यूनिवर्स की तरफ छोड़ देते हो ना तो जो होना होता है, जो आपके लिए बेस्ट होता है वही आपको मिलता है. तो जब मैं किसी स्पेस में होती हूँ और जैसे अभी मैं रिसेंटली बताऊँ, मेरा जन्मदिन निकला तो मैं अपने आप, मेरे मन में था क्या करूं, इतना सारे काम में बिजी थी तो मैं अपने आप को जिस होटल में मैं 3 महीने काम किया, नोवोटेल में मैं रुकी हुई थी 3 महीने, मैं वहीं पे स्टे किया फिल्म के दौरान सीरियस मैन के लिए, तो मैं उसी होटल में वापस गई अपने जन्मदिन के दिन, मैं उसी रूम में थी. तो मुझे मन में ये बात है अब छोड़ के जाना है, तो मैं पानी देख रही थी, मुझे पानी देखने का बहुत शौक है तो मैं पीछे ऐसे पानी के पास बैठी थी और एक कपल खड़े थे जो बहुत बहुत इंथू होके फोटो खींच रहे थे और वो ट्राई कर रहे थे एक सेल्फी आ जाए अच्छे से. तो मेरी बॉडी अपने आप बिना सोचे समझे उठी और आगे की तरफ गई, मैंने बोला मैं खींच देती हूँ. तो उन्होंने मुझे दिया
मैंने उनका फोटो खींचा, थोड़ी देर में उन्होंने कहा बहुत अच्छी हवा है, तुमने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, हम तुम्हारा फोटो खींचते हैं। तो उन्होंने मेरा फोटो खींचा और जब तक मैं आके, हम लोग फोटो एक दूसरे से ब्लूटूथ से ले रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे, तब तक मैंने उनको पूछा आप कौन, तो उन्होंने बताया अरे हम शाह, मीना शाह, विजय शाह। तो जब तक ये बात होती तब तक उन्होंने बोला तुम क्या करती हो बेटा, बहुत सुंदर हो, तुम्हारी स्माइल अच्छी है। तो ऐसे कुछ मजाक चल रहा था, तो उन्होंने बोला हमारा बेटा जो है वो एयरलाइंस में है। तो मैंने बोला और शादी हो गई ऐसे कुछ मस्ती मजाक में जो हुआ मुझे पता नहीं, मतलब अब मैं उस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे और हंसी आ रही है। जब तक ये बात होती तब तक उन्होंने मुझसे, फिर मुझे उन्होंने ऐसे कहा कि तुम कुछ खाओगी क्या, और उन्होंने बैग से कुछ निकाला। जब तक मैंने कहा मेरा बर्थडे था, तो उनके बैग में केक रखा था छोटा सा, तो उन्होंने उसको कटा देके दिया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पूछे तुम क्या करती हो, मैंने कहा मैं एक्ट्रेस हूँ। तो बोले अच्छा स्ट्रगल कर रहे हो, क्या हो रहा है? तो मैंने कहा नहीं, मेरी फिल्म नेटफ्लिक्स पे है, आप देख सकते हो। तो जब तक मैं बोलती हूँ, उन्होंने बोला अच्छा तो नेक्स्ट तुम बंसाली के साथ काम कर रही हो? तब तक बोले बंसाली तो हमारे पड़ोसी है। अरे वाह, बाप रे, ओ माय गॉड। तो इतने कोइंसिडेंस और मतलब ऐसे मेरी बहुत, मुझे ना बंबई में आने के बाद, मुझे कभी, मैं अपने घर में हूँ, मैं ज्यादा जाती नहीं आती नहीं, मैं लोगों से कम मिलती हूँ, नए लोगों से बहुत बात करती हूँ, और उनके काम के बारे में इंटरेस्टिंग, मेरा इंटरेस्ट वही है कौन क्या करता है, कौन कहाँ, भले ही वो मच्छी बेचने वाली क्यों नहीं हो, तो मुझे जानना जरूर है कि उसने उस दिन कितनी कमाई करी, मुझे पता होना चाहिए। अगर कल को मेरे पास कुछ काम नहीं रहा तो मैं अच्छी मच्छी बेच सकती हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी मस्ती मजाक में हो गई, तो मुझे अंदर से वही लगा कि कितना इंटरेस्टिंग है ना, बहुत दुनिया छोटी सी है बट आपको सही एनर्जी अपनी तरफ खींच ही लेती है। तो मेरे यहाँ बंबई में बहुत मेरी फैमिली की तरह लोग हैं जो मुझे घर की तरह देखते हैं, शाह अंकल आंटी हो गए, या फिर श्रुति मैम हुई, श्रुति वर्मा मैम, अमिताभ सर, मेरे मतलब परिवार के लोग जो मतलब मेरी हर खुशी हर दुख में हमेशा यहाँ पर है। तो माँ भले ही भोपाल में है बट यहाँ मेरी फैमिली है, तो मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर। वाओ वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। आई थिंक वो जो तुम्हारे में चार्म है, तुम्हारी स्माइल में चार्म है, तुम्हारी जो क्लीन सोल है, क्लीन हार्ट है, आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू कनेक्ट विद पीपल। लोगों के साथ तुम्हें ना ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्माइल जोड़ती रहेगी और इसी तरह से तुम आगे बढ़ती रहोगी, और पता नहीं कौन सा एयरलाइंस वाला, कौन सा पायलट आके तुम्हारा दिल छुड़ा के ले जाए, पता नहीं चलता क्या होगा। भाई पायलट मध्य ना काम करता रहेगा, मुझे कोई ऐसा बंदा दो जो मेरे से बात कर सके जिंदगी में, मुझे बात करने की बहुत गंदी बीमारी है। ठीक है, तो पता चल रहा है कि हमारे शो के बाद एक मैट्रिमोनियल कॉलम खुलने वाला है कि इतना की नहीं, अभी नहीं, 5 साल तक कुछ नहीं है, तो अपना अपना काम करो, अपनी लड़कियां ढूंढ लो, जाओ भैया। अभी 5 साल में अपने काम के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई रखी है, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे लिए, आशीष सिंह, गंगू भाई, कब आ रही है मैम? पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता है अभी। और पत्र कह रही है ऑसम, दीपाली कह रही है वाव सुपर शो, माला सिंप्लिसिटी यू हैव विद इन इज गोइंग टू डिस्टिंग्विश यू, एंड absolutely a beautiful soul, beautiful person that Indra is. The top, yeah, I totally want to respect Indra, your time, tumhara samay bahut hi mulyavan hai, aur hum mere prashn chalte rahenge, meri kahaniyan chalti rahengi, hamari kahaniyan chalti rahengi, to agar tum vaada karo ki mere show mein dobara aaogi to main is show ko sari dusre question sambhal ke rakhunga agle show ke liye. मैं तो यही हूँ, कहा जा रही हूँ। अच्छा, तो मेरी कब तुम मुलाकात करवा रही हो अमिताभ बच्चन जी से? जब आपकी किस्मत में हो, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं किसी को नहीं जानती, काम खत्म, पैकअप, बाय बाय। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बड़े इन लोगों का मुझे नहीं पता, मैं जिसको जब जिस समय में मिली, मेरा वो समय था शायद मिलने का, बहुत अच्छी बात है, और उनके मुंह से निकल गई तो शायद भगवान चाहते थे, यूनिवर्स चाहता था, तो उन्होंने मुझे कुछ सीख दे दी, सीख कबाब नहीं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ,
तो सीख दे दी और उसके अलावा मुझे मुझे बस ये लगता है कि पता नहीं, मैं भूल गई यार, मेरे को याद नहीं आ रहा मैं क्या बोलने जा रही थी जब जब जैसे जो होना होता है वो होता है, आपका मिलना लिखा होगा, आप मिल लोगे और आप उनके थ्रू, मतलब उनके थ्रू मैं मिली और आप मिले, तो वो एनर्जी तो फ्लो हो गई अब, तो ये जो अगर आपकी इच्छा है तो ये भी जल्दी पूरी हो जाएगी। गुड गुड गुड। तो जाते जाते एक मैंने ना छोटी सी कविता लिखी थी अमिताभ बच्चन जी से मिलने के बारे में, तो मैंने कहा इस शो से मैं उस कविता को बोल देता हूं, तो जैसा तुम कह रही हो कि जब जब जो जो होना है तब तब तो होगा ही होगा, तो पता नहीं कहां से कौन सी बात कहां तक पहुंच जाए, क्या पता चलता है। तो मैंने सोचा कि इस शो के प्लेटफॉर्म से मैं ये छोटी सी कविता सुना देता हूं, आगे जो होगा होगा। पेश करूं? बिल्कुल। तो अभी अभी मैंने सुबह ना आधे घंटे पहले लिखी है, जस्ट बिफोर वी गॉट ऑन द शो, मेरे को सडनली ये ख्याल में आया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अमिताभ जी से मुलाकात हो तो शायद आप हो सकती है, ये तो दिल में उनसे मिलने की आरजू है, पूरी हो सकती है। आज भी एक उम्मीद की किरण लिए चल रहा हूं मैं, आज भी उम्मीद की किरण लिए चल रहा हूं मैं, अपनी आस दूसरों द्वारा उन तक पहुंचा रहा हूं मैं। कोई तो होगा जो ले जाए उन तक पैगाम मेरा, कोई तो होगा जो ले जाए उन तक पैगाम मेरा, दूर देश से ले जाए उन तक प्यार मेरा। कई मिल आते हैं उन्हें, हम ही नहीं मिल पाते। कई मिल आते हैं उन्हें, हम ही नहीं मिल पाते, बस उनकी कही कविताओं को लोगों को हैं सुनाते। शायद इस आवाज के सफर से उन तक भी आवाज पहुंच जाए, हो जाए पूरी मेरे दिल की एक तमन्ना, एक बार सिर्फ एक बार वो और मैं मिल जाए। पता है मुश्किल है रहा ये और उम्मीद बहुत कम है, फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। नेक ख्याल है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंदिरा की मुझे तुम जैसी दोस्त इस सफर में मिली है। तुमसे कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि किस तरह कनेक्शन हुआ, मुझे नहीं पता, पर आई ट्रूली ऑनेस्टली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट विश यू लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस। मुझे इंदिरा दोस्त को ऊंचे उड़ते हुए देखना है, अपने खुशी वाला काम करते हुए देखना है, और आगे जिंदगी में बहुत सफल मुकाम को पाने की जो उम्मीद है, सपना है तुम्हारा, उसे पूरा होते हुए देखना है। तो इस उम्मीद के साथ, इस प्यार के साथ, थैंक यू सो मच इंदिरा फॉर ज्वाइनिंग द शो टुडे। थैंक यू सो ऑल द पीपल हु ज्वाइंड द शो टुडे टू आस्क क्वेश्चंस। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लंच टाइम में या जहां पर भी हैं इंडिया में समय निकाल के आए हमारे साथ बनने के लिए। हमारा जो सफर था, थोड़े इमोशंस का, थोड़ी खुशियों का, थोड़े प्रश्नों का, थोड़े मेल मिलाप का सफर था। आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में मैं और इंदिरा फिर आएंगे इस शो में, और जो मेरे सारे क्वेश्चंस रह गए हैं उनके जवाब लेके या छोटे छोटे स्निपेट्स लेके। तब तक के लिए इंदिरा थैंक यू सो मच। कोई लास्ट मैसेज हो तुम्हारा आज के शो के लिए जो तुम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हो, प्लीज डू सो बिफोर वी रैप अप। सभी लोग अपना ख्याल रखें और बस कोशिश करें, अपने अपने हिस्से का जो काम होता है वो सब तो हम कर ही रहे हैं, बट अगर आप किसी को खुश कर सके और आप खुश रह सके तो इससे बड़ी चीज कुछ है नहीं, तो अपना ख्याल रखें। Thank you so much, Indra. Thank you so much for joining the show. All of you, please take care. अगले हफ्ते तक के लिए एक और कुछ अच्छा सा प्रोग्राम लेके आएंगे, प्यारी प्यारी बातें लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, सायोनारा, बाय बाय, टाटा, हैप्पी डे हियर इन US। मिलेंगे अगले शो में। बाय बाय बाय।